दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, गजब हो गया है। अर्जुन कपूर भाई को बहुत भारी गुस्सा आ गया है। अर्जुन कपूर ने कहा है कि पब्लिक की हिम्मत कैसे हुई बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट करने की। अर्जुन कपूर का कहना है कि जब बॉयकॉट की शुरुआत हुई तो बॉलीवुड वाले चुप रहे और बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक की बॉलीवुड वालों ने। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। लेकिन अब बॉलीवुड के लोग चुप नहीं रहेंगे, अब इन लोगों को सबक सिखा के रहेंगे जो बॉलीवुड की फिल्मों का बायकॉट कर रहे हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, और अगर वीडियो देखोगे तो भाई साहब लाइक करना मत भूलना प्लीज। तो दोस्तों हुआ ये कि अर्जुन कपूर एक किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था। जब उस पत्रकार ने पूछा कि भाई अब बॉलीवुड क्या करेगा जबकि पब्लिक बॉलीवुड की सारी फिल्मों का बहिष्कार कर रही है, इस सवाल को सुनते ही अर्जुन कपूर भाई भड़क उठे। अर्जुन कपूर ने कहा कि यार अब बॉलीवुड वाले चुप नहीं बैठेंगे, अब इन लोगों को सबक सिखा के रहेंगे जो बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई बॉलीवुड की इंसल्ट करने की, मतलब इनमें हिम्मत कहां से आई कि ये कहें कि ये बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट करेंगे। हम खुदा हैं, हमें ये खुदा नहीं मानेंगे, इनकी इतनी औकात है, अब बॉलीवुड वाले इनको नहीं छोड़ेंगे, अब बॉलीवुड वाले चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और हमने तो काफी कीचड़ झेल लिया है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज़ वी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई एंड सेड लेट इट बी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद अर्जुन ने पब्लिक को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब गालियां दी। देखो यहां मैं अर्जुन कपूर भाई के साथ खड़ा हूं, पब्लिक बिल्कुल गलत है। देखो भाई, अगर आप लोग आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, अगर आप शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन यार आप अर्जुन कपूर जैसे सुपर डुपर महा फ्लॉप हीरो की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं, उस बेचारे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? मतलब अब आप एक ऐसे एक्टर की फिल्म का भी बहिष्कार करोगे जिसकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाता? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है भाई साहब, ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अन्याय है, और मैं अर्जुन कपूर भाई के साथ खड़ा हूं। अर्जुन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अर्जुन भाई अगर पब्लिक वरुण धवन की फिल्म का बहिष्कार भी करती है तो मैं मान सकता हूं, सिद्धार्थ मल्होत्रा जॉन अब्राहम की फिल्मों का बहिष्कार भी अगर पब्लिक करती है तो मैं मानता हूं, लेकिन आप जैसे लुक्खे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है, आप जैसे महा सुपर डुपर फ्लॉप हीरो की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? और भाई ये बहिष्कार बिल्कुल झूठ है, वैसे ही पब्लिक आपकी फिल्म देखने नहीं जाती, कुत्ता तक आपकी फिल्म देखने नहीं जाता, तो फिर झूठ मूठ बहिष्कार क्यों कर रहे हैं भाई? पब्लिक को वैसे ही आपकी फिल्म नहीं देखनी है तो फिर ये बहिष्कार है क्या? मतलब जबरदस्ती का खाली नाटक है भाईजान। भाईजान अब आप पब्लिक को सबक सिखा के रहना, पब्लिक को छोड़ना मत भाईजान। अब आप अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधा यूट्यूब पर रिलीज करना शुरू कर दो भाईजान, इनको टॉर्चर करो। जब यूट्यूब पर फिल्म फ्री में देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये जरूर देखेंगे और ये देखकर खुद ब खुद ही पागल हो जाएंगे। इनसे बदला लेना है भाईजान, और मैं आपके साथ खड़ा हूं अर्जुन भाई, ये पब्लिक अन्याय कर रही है भाईजान। और दोस्तों मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती अर्जुन कपूर की फिल्म का बहिष्कार करते हुए? क्या अर्जुन कपूर बेचारा हीरो दिखता है? अजी घंटा। क्या अर्जुन कपूर बेचारे को एक्टिंग आती है? अजी घंटा। क्या अर्जुन कपूर में एक भी क्वालिटी है हीरो बनने की? अजी घंटा। और इसके बावजूद भी आप अर्जुन कपूर जैसे महा फ्लॉप गेंडे टाइप हीरो की फिल्म का बहिष्कार करते हो, शर्म आनी चाहिए। इतना जुल्म तो अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म आप कर रहे हो। देखिए मैं आप लोगों के इस कदम की कड़ी निंदा करता हूं, आपको अर्जुन कपूर की फिल्मों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां भी अर्जुन कपूर की फिल्म का कोई पोस्टर दिखे उस पे खड़े होकर मूतना चाहिए। अपने अर्जुन कपूर भाई कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है, बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े। मतलब एक्टिंग तो वो ऐसी करते हैं कि सीन के बीच को निकल जाते हैं, और जब ये गेंडा टाइप हीरो चलता है तो देखने वाले बेहोश हो जाते हैं। आप ऐसे चलते होंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी टांगे कैसी है, ऐसे 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 चलता है ये भाई। ऐसे हीरो की फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हो आप, कुछ तो शर्म करो यार, मतलब कुछ तो, अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रखो अपना यार। अब तो दोस्तों आप लोगों की खैर बिल्कुल नहीं है, अब अर्जुन भाई को बहुत भारी गुस्सा आ गया। अब अर्जुन कपूर उन सब नल्ले प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर जो इसको अपनी फिल्म में लेते हैं आप लोगों को सबक सिखा कर रहेगा, अब आप सभी पर मानहानि का केस करेगा, आपको ढूंढ ढूंढ कर अपनी फिल्म का टिकट देगा, पॉपकॉर्न देगा, समोसा देगा, कोल्ड ड्रिंक देगा, और आपके हाथ जोड़ेगा कि प्लीज मेरी फिल्म देख लो, मैं भले ही गेंडा टाइप दिखता हूं लेकिन मैं एक्टर कमाल का हूं, बॉलीवुड वाले मुझे हीरो कहते हैं, मैं हीरो हूं। अब अर्जुन कपूर आपको नहीं छोड़ेगा, आप उखाड़ के रहेगा भाई साहब अब अर्जुन कपूर। समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया,
अब लोगों को आदत होगी, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। अर्जुन भाई आप आज ही बॉलीवुड की मीटिंग बुलाओ, सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को फोन करो, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, आमिर खान साहब, लेकिन भाईजान ये लोग आपके जैसे नल्ले का फोन तो उठाएंगे ही नहीं, तो फिर मीटिंग कैसे होगी? अरे भाई मतलब मीटिंग करना बहुत जरूरी है अर्जुन भाई, आप बॉलीवुड वालों को इकट्ठा करो आज ही और सारे बॉलीवुड वालों के साथ बैठो और सबको बिठाकर पहले तो आप उनको कन्विंस करो कि आप हीरो हो और आप बॉलीवुड से ही हो। हो सकता है वो कहे कि भाई आप तो बॉलीवुड में हो ही नहीं, आप हो कौन? अबे आपके जैसे गेंडे को तो हमने कभी बॉलीवुड में काउंट ही नहीं किया। भाईजान उनको कहने देना, कोई दिक्कत नहीं भाईजान, आप बहुत बड़े महा सुपर डुपर फ्लॉप एक्टर हो भाईजान, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और पब्लिक ने आपकी फिल्म का बहिष्कार करने की गलती की है, भाईजान इनको नहीं छोड़ेंगे, मैं आपके साथ हूं भाईजान, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं। अब तो हम दोनों भाई पब्लिक में जाएंगे और भाई उनसे पूछेंगे कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि आपने अर्जुन कपूर की फिल्म का बहिष्कार किया, भले ही पब्लिक हमारे कपड़े उतार के नंगा करके पीटे भाईजान, कोई दिक्कत नहीं है भाईजान, आप छोटे मोटे हीरो नहीं हो, बहुत बड़े सुपरस्टार हो भाई, आपकी फिल्म का बहिष्कार किया ये ठीक नहीं किया पब्लिक ने भाईजान। भाइयों बहनों आप लोग कान खोल के सुन लो, आपने ठीक नहीं किया अर्जुन कपूर भाई को गुस्सा दिलाकर। अर्जुन कपूर भाई छोटे मोटे स्टार नहीं है, बहुत बड़े सुपर डुपर फ्लॉप गेंडा टाइप एक्टर हैं। इन भाई साहब को आदित्य चोपड़ा ने गलती से एज ए हीरो लॉन्च कर दिया था और जब इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो मैंने देखकर कहा कि भाई ये ड्राकुला जैसा आदमी हीरो कैसे हो सकता है, ये गेंडा टाइप आदमी अगर हीरो है तो फिर विलन कौन होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये हीरो है तो फिर दुनिया में कोई भी हीरो हो सकता है। जिस दिन आदि चोपड़ा ने अर्जुन कपूर को लॉन्च किया था उस दिन आदि ने हीरो शब्द की मां बहन कर दी थी, बर्बाद कर दिया था। और आज तक अर्जुन कपूर भाई 12 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर दे चुके हैं, निर्माताओं का कम से कम 500 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुके हैं और आप लोग अर्जुन भाई की फिल्म का बहिष्कार करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अर्जुन भाई इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि जिस थिएटर पर उनकी फिल्म लगती है उसके आस पड़ोस से कुत्ता भी नहीं गुजरता और आप लोगों ने उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने की हिमाकत की, ये ठीक नहीं किया। अर्जुन भाई अब छोड़ेंगे नहीं, अर्जुन भाई आप लोगों को सबक सिखा के रहेंगे। मतलब इस बात से पता चलता है कि ये जो हीरो हैं इनमें कितनी अकल है, ये कितने होशियार हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा सुपर डुपर डिजास्टर हीरो, ऐसा नल्ला हीरो, ऐसा गेंडा टाइप हीरो भी पब्लिक को धमकी दे रहा है, ऐसा घटिया महाफ्लॉप एक्टर भी ये कह रहा है कि अब बॉलीवुड को चुप नहीं बैठना चाहिए, अब पब्लिक को सबक सिखाना चाहिए। अर्जुन भाई मुझे आप ये बताओ, आप पब्लिक का क्या उखाड़ लोगे? पब्लिक कौन है बेटा? अरे बेटा पब्लिक वो है कि पब्लिक के सामने तू मच्छर भी नहीं है। अर्जुन भाई शायद आपने कहावत नहीं सुनी कि जनता की आवाज नकारे खुदा, जो पब्लिक चाहती है खुदा भी वही चाहता है, खुदा भी पब्लिक के खिलाफ नहीं जाता, तो भाई आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। मेरा मशवरा तो आपको सिर्फ इतना सा है कि अब वहां बिल्कुल मत जाना जहां बहुत सारी पब्लिक हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि पब्लिक आपको देखकर भड़क जाए, आपके कपड़े फाड़ डाले और फिर आगे पब्लिक आपका क्या हाल करेगी आपको पता होना चाहिए। टेक केयर मेरे दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।